अस्सलाम वालेकुम जी। वेखो पंजाब चैनल ते जी आयां नूं सुणियों। ददरा साहब तुहाडे वास्ते एक निवेकली जी जानकारी लिआए ने, अदाकार अकमल साहब ते अदाकार इकबाल हसन साहब दे बारे कि किस तरह सुणियो आपस विच मिलदे ने सन 60 दी दहाई। फिर अकमल साहब की करदे ने इहदे नाल इकबाल हसन नाल, फिर इकबाल हसन अकमल दी मौत तों बाद उहदी कबर ते की लैण जांदे रहे। उन्होंने को शबाज अकमल नाल उन्होंने अकमल के पुत्र ना इकबाल हसन ने गां की कीता। बड़ी दिलचस्प कहानी ये तुहाडे नाल शेयर करन लगा। लो चैनल ते अगर आए हो सबसक्राइब नहीं किया तो कर लो सोणियो, ताकि मजीद इस तरह दी जानकारियां तुहाडे सामने असीं लिआउंदे रहीए। सोणियो, सन 60 दा जिहड़ा स्टार्ट है ना, इहदे विच अकमल साहब जिहड़े ने उह अरूज ते सन, एज ए हीरो बड़ियां फिल्मां च काम कर रहे सन। इकबाल हसन जिहड़े ने ना, इह समझ लो कि 60 दी स्टार्ट दी दहाई विच स्टूडियो आ जांदे ने भी, लेकिन बतौर एक्टर नहीं। कैमरामैन दे नाल जिहड़े पिछे उह ट्रालियां खिंचण वाले नहीं हुंदे, उहनां विच आ के ते काम शुरू कर देंदे ने। शौक ते हुंदा अदाकारी दा, लेकिन स्टार्ट विच कोई चांस नहीं दिंदा, लिहाजा उहनां कहा यार इहनां दे नाल इक वारी अटैच ते होवो ना, जुड़ो तां सही। लिहाजा उह कैमरामैन दे असिस्टेंट बन जांदे, यानी कि ट्रालियां धरून वाले। चलो खैर, सन 65 दा साल आ जांदा, फिल्म शुरू हुंदी है सोणियो शेर पंजाब दा। टाइटल रोल कर रहे ने अकमल साहब। हुण इहदे जदों शूटिंगां शुरू हुंदियां ना, ते इकबाल हसन उही कैमरे दे नाल जिहड़े पिछे कैमरे वालियां ट्रालियां जिहड़ियां अगे पिछे किन्नियां खिचणियां धरूणियां उहदे विच कर रहे ने असिस्टेंट ने कैमरामैन दे। लिहाजा जदों सैट ते ना सैट लग्गा ते शूट हो रही है, बाकी अदाकारां ने जिहड़े अकमल साहब दा काम हो गया ना, तो बाकी सीन दूजे अदाकारां दे जदों लै रहे ने, ते जिहड़े फेस एक्सप्रैशन उहनां अदाकारां दे होने चाहीदे सी ना, उह फेस एक्सप्रैशन कैमरे दे पिछे खलोते इकबाल हसन जिहड़े ने उह दे रहे ने। हुण अकमल साहब टिकटिकी बन के ते इस बंदे वल वेंदे ने पे, अकमल अपना इकबाल हसन वल, उहनां वल वी वेखदे ने, अदाकारां वल वी जिन्हां दे चेहरे ते उह एक्सप्रैशन नहीं आ रहे। जदों इकबाल हसन वाल वेखते हैं तो उहदे चेहरे ते उस तरह के तासरात होंदे ने कि जिवें डायरैक्टर समझांदा है कि यार इस तरह बोलो तुसीं डायलॉग, तुहाडे चेहरे तो पता लगना चाहिए, यानी कि मूँह भी तुहाडा कूणा चाहिए। लिहाजा जदों शूट हो रहे ना, क्योंकि फिल्म का स्टार्ट होंदा है, अकमल साहब उत्थे आंदे ने कैमरामैन नूं कि यार जिहड़े बंदे नूं कैमरे ते अग्गे होना चाहिए सी ना, अल्लाह दे बंदे तो इस बंदे नूं कैमरे दे पिछे रखिया है, क्योंकि अकमल साहब ने उस बंदे दे चेहरा पढ़ लिया सी इकबाल हसन दा कि वाकई यार इहदे विच गैटस है ने, इह धमाल पा सकदा है अगे। लिहाजा जनाब अली उहने रिक्वेस्ट कीती, रिक्वेस्ट की बल्कि जिहड़ा बंदा सुपरस्टार हुंदा उह हुक्म करे उहदी मन्नी जांदी है। लिहाजा उहने डायरैक्टर नूं आखिया कि यार इस मुंडे नूं चांस दिओ फिल्म विच। उस वेले फिर उह जिहड़े सन अपना विलन सन, विलन पार्टी दे खास चमचियां विच, खास जिहड़ा चमचा हुंदा उहदा रोल मिल जांदा जी इकबाल हसन, शीटका जिहा पतला जिहा, लेकिन कमाल यार फेस एक्सप्रैशन दित्ते ने उहदे विच इकबाल हसन ने। तुसीं वेखो, इह फिल्म पई सी यूट्यूब ते वेखी मैं, लेकिन है तो पतला जिहा माड़कू जिहा, लेकिन यार खूब जचिया। इस फिल्म विच अकमल साहब चांस दवांदे ने, इहदे तों बाद ही फिर इकबाल हसन जिहड़े ने उह अकमल साहब नूं अपना उस्ताद मान लैंदे ने, लिहाजा उहदी उहनां दी शागिरदी विच आ के ते फिर चीज़ां सिखदे रहिंदे ने, यानी कि उह कैमरे वाले ट्रॉली वाला काम मुक जांदा, लिहाजा कैमरे दे अगे आ जांदे ने। फिर अकमल साहब इहनां नूं अपनियां काफ़ी फिल्मां दे विच काम दवांदे ने, जिस तरह फिल्म मुकाबला है 1967 दी, उहदे विच वी इकबाल हसन नूं उहनां ने काम दवाया। फिर अमामदीन गुआविया 67 दी, बड़ी कमाल मूवी है, टाइटल रोल कीता अपना अकमल साहब ने, उहदे विच वी उहनां ने काम दित्ता उहनूं। फिर गैरतमंद उन्हां दिनां विच जिहड़ी ना अपना शुरू हुई सी फिल्म, जिहड़ी कि गां बाद विच फिर अकमल साहब दी मौत तों बाद विच जाके रिलीज 69 विच हुई, उहदे विच वी अकमल साहब ने सिफारिश करके ते काम दवाया इकबाल हसन। फिर 1967 विच इक फिल्म बनती है जी दिल दा जानी, उहदे च इकबाल हसन जिहड़े ने ना उह समझो कि एक छोटे रोल विच हुंदे ने। जदों अद्धी फिल्म गुजरदी है ना, ते अद्धी फिल्म तों बाद इकबाल हसन नूं फारग कर दित्ता जांदा है, यानी कि वह गवा देंगे ने, गवा जाता बंदा कि बेच नज़र नहीं आता। उहदी वजह यह वे कि इकबाल हसन नू बतौर हीरो उस साल ही सस्सी पुन्नू फिल्म मिल गई सी, पुन्नू दे रोल विच नगमा दे नाल।
लिहाजा जो जो बंद फिर एक हीरो का रोल मिल जाए ना, जाहरी गल फिर जो छोटे मोटे एक्सट्रा टाइप के रोल ने वो तो नहीं फिर करेगा। लिहाजा उन्होंने फिर वो जो दिल का जानी अद्धी फिल्म तो बाद जो छड़ दी, एज ए हीरो फिर जी सस्सी पुन्नू स्टार्ट हो गया काम इन्हों का। चल सो चल फिर अकबल साहब को बड़िया चीजा सीखिया इकबाल हसन साहब ने, क्योंकि पक्के शगिर्द हो गए सन उन्होंने, उन्होंने खिदमत करनी सेवा करनी, सेवा च मेवा हों सोने, समझ आई कि नहीं आई। लिहाजा वो दौर जमाना भी इस तरह के सुचे लोग सन, उस्ताद अपने शगिर्दा सारा फन जरा सिखा देंगे सी हर चीज, ये नहीं सी रखना यार कि नहीं मैं ही वड्डा रहा, ये आंदे देंदियां रब देंदा, समझ आई ना। 11 जून 1967 जदों परी जवानी ते परे अरूज विच अकमल साहब की डैथ हो जाती है, तो इकबाल हसन साहब बहुत परेशान होंदे ने, लिहाजा बाद फिर उन्होंने कबर ते जाके खासकर रात में जाते होंगे, उन्होंने कबर ते जाके उन्होंने वास्ते दुआ खैर करनी, नाले रब सोने को दुआवां करनियां कि मालका मेरे इस उस्ताद विच जिहड़ियां तू खूबियां रखियां सी, गुण रखे सी अदाकारी दे, रब्बा सोने वो मेरे विच भी कदी मुंतकिल कर देना स्वाद आ जाए, ये दुआवां करते होंगे सी, अक्सर दुआवां करते होंगे सी, ते हमेशा उन्होंने कबर ते जाके ते सफाई करनी। मरदे दम तिकर 84 विच जो कार हादसे विच इकबाल हसन रब नूं प्यारे होंदे ने, उदों तिकर आप यानी कि जांदे ही रहिंदे होंदे अपने उस्ताद की कबर ते, लेकिन ये सोचो तुसी कि जिहड़ा फनकार इन्ना ज्यादा मसरूफ होए, 80 दी दहाई तुहानूं पता कि बहुत ज्यादा शेर खान तो बाद मसरूफ हो गए सन इकबाल सन, लेकिन फिर भी जिहड़े अपने उस्ताद की कबर ते जांदे सी दुआ दुआ खैर करदे। उंज भी कहिंदे ने कि जिहड़े बंदे ने उस्तादां दी कदर कीती उहने सारा कुछ पाया, जिहड़े जिहड़े बेस्ताद दे लोग हुंदे ने उहनां की पाणा हुंदा, लेकिन एक कदर करन वाला बंदा सी। फिर ये वेखो तुसी कि खाली जदों अरूज सी इकबाल हसन साहब दा, उदों अकमल साहब दा साहबजादा शबाज अकमल साहब उन्होंने इंडस्ट्री आंदा, फिर उन्होंने जिथे काम लैके फिल्मा दिता इकबाल हसन ने, उहदे नाल नाल उन्होंने अदाकारी सिखांदे रहे। ये खुद शबाज अकमल साहब ने दसिया कि मैनू दसदे हुंदे सी कि इस तरह चलना है, इस तरह डायलॉग बोलना है। फिर जदों इकबाल हसन अपनी फिल्मा की जल्दी शूटिंग मुका के पता हुंदा जी कि शबाज अकमल यार मेरे उस्ताद का जिहड़ा पुत्तर है वो फलानी फिल्म के सैट पर काम कर रहे हैं, जल्दी अपना काम मुका के घर नहीं जाना बल्कि शबाज अकमल को आना, आके उन्होंने समझाना सिखाना, ये बहुत वड्डी गल है सोहणियो। वो उस्तादां दे चंडे लोग सन, उस्तादां नाल मुहब्बत इश्क करन वाले लोग सन, फन की कदर करन वाले लोग सी, फनकार की कदर करन वाले लोग सी, ते फिर उन्होंने तरक्कियां भी पाईआं, अरूज भी पाया, अल्लाह पाक ने हर शाय उन्होंने अता कीती। ते तुहानूं पता फिर अगे चल के इकबाल हसन जिहड़ा वो ऑलराउंडर एवें नहीं उन्होंने आख्या जांदा, हर फन मौला, हर तरह का रोल करने वाला बंदा सी। उम्मीद करांगा तुहानूं यह जानकारी पसंद आई है, अल्लाह पाक जी उन्हां दोनों के दर्जात बुलंद फरमाए, दिओ इजाजत किसी होर इस तरह की कहानी के नाल तुहाडी सेवा चाहुंदे आ, अपना बहुत सारा ख्याल रखो, अल्लाह बेली।